सो हेलो और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अंजोरा बाईपास और उधर के जाने वाला रोड जो कि बहुत ही फेमस है और नेशनल हाईवे तक के हम लोग जाएंगे आज। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने पुलगांव चौक वाले रोड में और इधर डी मार्ट भी दिख गया हम लोग को, देख सकते हो इधर साइड। इधर से अभी हम लोग सीधा सीधा जा रहे हैं और आपको पूरा आज दिखाने वाला उधर के रोड में क्या क्या चीज़ पड़ता है आस पास। इधर जो क्रैश गार्ड इधर उसको फेंकते हैं इधर और बनाते भी हैं इधर साइड, ये उधर का वो है। और देख सकते हो आगे में पेट्रोल पंप भी दिख रहा है, इसको भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो इधर मनीष के बहुत सारे बस खड़े रहते हैं, मनीष ट्रेवल्स के, इधर साइड आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। और अभी देख सकते हो एक छोटा सा पुल आएगा, ये बहुत ही फेमस है इधर, मतलब ये जाके सिवनाथ नदी में मिल जाता है थोड़े आगे में। तो इधर साइड देख सकते हो पूरा पत्ता पत्ता इसमें। उधर भारती कॉलेज दिख रहा होगा आप लोगों को बहुत बड़ा सा। तो इधर की बहुत सारे चीज़ हैं जो कि बहुत लोग नहीं कवर किए हैं, आज मैं आप लोगों को इसी को घुमाने वाला हूँ। इधर देख सकते हो भारती हॉस्पिटल दिख रहा है, ये कॉलेज भी है एक तरह का। तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़े आगे में हीरो का शोरूम है यहाँ पर, जो कि हीरो होंडा और हीरो बस का है। और देख सकते हो वहाँ बहुत सारे ट्रक भी खड़े हैं। और सीधे में आप लोगों को दिख रहा होगा पुलगांव चौक, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो यहाँ से ये सब। और इसको मिनी माता चौक भी बोला जाता है पुलगांव चौक को। तो ये सामने में इधर से आपका दुर्ग शहर जाते हैं और इधर से अपने बालोद और धमतरी साइड, और यहाँ से हम लोग अभी जाने वाले सीधे नांदगांव की साइड। तो यही रोड हम लोग को लेके जाएगा नांदगांव की साइड। तो इधर ही हम लोग अभी जा रहे हैं और इधर ही पड़ेगा अभी अंजोरा बाईपास। तो अभी हम लोग सीधे सीधे जा रहे हैं और देख सकते हो कितने लाइन से खड़े हुए हैं ट्रक। ऊपर में बहुत ही बड़ा पानी टंकी भी बना हुआ है। पहले ये रोड वन वे था, अब ये डबल लाइन हो गया है, मतलब फुल लेन का रोड है। और इधर ऊपर में देख सकते हो बहुत ही अच्छा पानी टंकी बना हुआ है। और इधर देख सकते हो ट्रक भी बहुत चलते हैं यहाँ पर, इधर साइड भी बहुत खड़े बड़े हैं ट्रक। और इधर साइड देख सकते हो अपना वो टाटा का शोरूम छोटा सा, यहाँ पर भी बहुत सारे खड़े हुए हैं गाड़ी। और इधर महिंद्रा का शोरूम है ट्रैक्टर वाला। और जस्ट इसके बगल में आपको देखने को मिलेगा KPS स्कूल कृष्णा पब्लिक। और यहाँ पर देख सकते हो अपना एक और छोटा सा ढाबा खुला है यहाँ, और जस्ट उसके बगल में फूड पार्क इधर उस अपोजिट साइड में उसके। और यहाँ पर स्वराज ट्रैक्टर का आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप थोड़े से आगे जाओगे तो सिवनाथ नदी है, इधर से आपको सामने में दिखाऊंगा। इधर कुछ काम भी चल रहा है साइड में। इधर आपको देखने मिल जाएगा बहुत सारा रिजॉर्ट और शादी वादी वाला वेडिंग करने वाला, इधर बहुत सारे पैलेस बने हुए हैं। तो अभी हम लोग चढ़ रहे हैं सिवनाथ नदी के ऊपर में। और यहाँ पर है अपना रोमन पार्क जो कि बहुत ही अच्छा है। और इधर साइड भी बहुत सारे चीज़ें हैं, वृंदावन इधर साइड पड़ता है अपना वृंदावन इन होटल। और यहाँ पर एक गुरुद्वारा है जो कि बहुत ही फेमस है। और यहाँ पर देख सकते हैं अपना प्यारा सिवनाथ नदी। और दोस्तों ये जो रोड दिख रहा है साइड में, ये जाता है जालबांधा मार्ग है, रसमाड़ा की तरफ लेके जाएगा नकपुरा। और सीधे में हम लोग अभी जा रहे हैं। और इधर पृथ्वी पैलेस है जो कि अभी नए नए अभी बना हुआ है। और यहाँ भी हम लोग मोड़ में आ चुके हैं जो कि बहुत ही अभी सुंदर लगता है ये मोड़, क्योंकि ये बहुत ही गाड़ी भी चलते रहता है। और इधर से आप लोग मरा घाट की तरफ जा सकते हो, उधर से एक रोड गया है उधर साइड से। और अभी हम लोग अभी सीधे सीधे जाएंगे क्योंकि सीधे में ही पड़ेगा। और इधर भी एक छोटा सा पेट्रोल पंप है HP का। और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें। अभी देखो बस भी जा रही है कृष्णा पब्लिक की सीधे में। और वहाँ पर अपोलो कॉलेज है अंजोरा का, ये भी बहुत ही अच्छा है इधर साइड। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं आपको अंजोरा में देखने मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो अपोलो कॉलेज लिखा हुआ है। और इधर साइड देख सकते हो एक ढाबा भी है खन्ना करके। और इधर भी बहुत सारे चीज़ें हैं। और यहाँ पर कुछ है, इधर कदम हाइट्स है एक अपार्टमेंट जैसा जो कि बहुत सोसाइटी है पूरा। और सीधे में अभी हम लोग जाते हैं, जैसे हम लोग को थोड़े आगे में देखने मिल जाएगा पुलिस चौकी जो कि दिखाऊंगा आपको। इधर से रेड यहाँ देख सकते हो सीधे में दिख रहा है पुलिस चौकी अंजोरा का। और वहाँ सीधे में आप लोग को देखने मिल जाएगा शुभम के मार्ट जो कि डी मार्ट जैसा ही है। आप उधर भी ग्रोसरी ले सकते हो जो कि हाल फिलहाल में अभी अभी खुला हुआ है। और भी देख सकते हो बहुत सारी दुकान अभी। और यहाँ पर देख सकते हो मैत्री डेंटल और नर्सिंग कॉलेज है यहाँ पर साइड में।
अभी हम लोग प्लेजर क्लब को पार कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा एक होटल है। यहाँ भी बहुत सारे वेडिंग होते हैं। और इधर से आप लोग खपरी की तरफ से जा सकते हो, यहाँ पर जो रोड है, और यहाँ पर आपका तालाब देखने को मिल जाएगा इधर। और अभी हम लोग मेन में पहुँचने वाले हैं, मतलब मेन चौक में अंजूरा के। इधर साइड भी देख सकते हो बहुत सारे घर दिखने हो गए आप लोगों को, क्योंकि मेन चौक आने वाला है। और इधर ये है अपना मेन चौक, जहाँ से बहुत जगह जाते हैं। इधर साइड से आप धनौत जा सकते हो, और यहाँ लिखा है अंजोरा जाओ, ये मतलब गाड़ागर धन्यवाद। तो यहाँ पर एक तालाब है इधर साइड, और सामने ही आपको बाईपास देखने मिल जाएगा, जो कि यहाँ सामने में ही है। तो अभी चलते हैं और आपको दिखाता हूँ उधर थोड़े और। और यहाँ देख सकते हो आपको ट्रक भी दिख रहा होगा, वही है सीधे आपका नेशनल हाईवे, जो कि सीधा सीधे ही आपको रसमड़ा की तरफ लेके जाएगा और रायपुर। तो अभी हम लोग सीधे इधर जा रहे हैं, और ये है अपना, यही दोस्तों आपको देखने मिल जाएगा बाईपास, यही अपना अंजोरा का बाईपास है। इधर से आप नेशनल हाईवे में एंटर कर सकते हो। और देखो इधर से जिन लोग को इधर सीधे जाना है, वो अब इधर से जा के मुड़ेंगे, और जिन लोग उधर से आते हैं उधर से कट जाते हैं। यहाँ देख सकते हो ढाबा आना चालू हो गया इधर का। और यहाँ से हम लोग नेशनल हाईवे एंटर कर लिए हैं, और इधर सामने में आपको हाईवे ढाबा देखने को मिल जाएगा। और ये जो रोड है दोस्तों, मतलब हाईवे, ये आपको मुंबई कोलकाता हाईवे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मुंबई और कोलकाता को जोड़ता है। देख सकते हो आप लोग, ये सीधा आपको लेके जाएगा नागपुर, धुले, अमरावती की साइड, और पीछे से ये आ रहा है उड़ीसा साइड से। तो अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं, अब आप लोग देखते रहिए और वीडियो को इंजॉय कीजिए लास्ट तक। तो दोस्तों हम लोग का सफ़र यहीं तक ख़त्म होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमारे कमेंट कर दिया करो वीडियो में। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।